खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। खटखट टोल पर हाँ भाई, काफ़ी टाइम के बाद में एक बार फिर खटखट टोल पर किसानों की मीटिंग हुई है और फसल मुआवजा दी लेकर ने जो दबैत करी गई है जींद डिस्ट्रिक्ट के साथ में उसी दी लेकर ने और आंदोलन का अल्टीमेटम भी दे दिया है और टोल बंद होगा बहुत जल्द अगर इनकी सुनवाई नहीं हुई हो तो। हमेशा तो अपनी बेबाकी के साथ में बात रखने वाली पूनम रेडू हमारे साथ में है और दूसरी मातृशक्ति भी सारी हमारे साथ में है, बातचीत कराएं। राम राम जी। राम राम जी। तो आज फसल मुआवजा न लेकर ना इकट्ठे हुए थे तो उसका के कुछ निष्कर्ष निकाल लिया? देखो हमारी पहले कृषि मंत्री तभी मीटिंग हुई, उसके बाद अपनी डीसी तभी मीटिंग हुई, वहाँ पे मतलब बोला था भी 16 डिस्ट्रिक्ट का लेकिन मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन 11 डिस्ट्रिक्ट का मिला, जींद छोड़ दिया उसमें। सबसे बड़ी बात तो अभी इसमें राजनीति स्टंट खेला जा, क्योंकि आज तक भी जैसा देखा मुआवजा मिला तो हर जगह मिला, लेकिन जींद क्यों छोड़ गया? जींद हमने नुबेरा है, अभी जेजेपी का और बीजेपी का है, और जेजेपी दुष्यंत ने नुकारा अभी किसान जितने मेरे पैरा घुटना टेकेगा जब मैं मुआवजा दूँ, और हम उससे दुष्यंत आगे सीधी बात या हम तेरा बार नागा जमा भी ना होगा हम भूखे मर जाए, और सीधी बात है हमने डीसी आगे ज्ञापन दे दिया, डीसी ने मारा एक हफ्ता का टाइम दे रहा है, अगर एक हफ्ता तक हमारी मांगे नहीं माने तो हम टोल और पूरा रोड जाम कर देंगे, जितने इतने हमारे खाते में पैसे नहीं आते जब तक हम टोल ने बंद रखेंगे। और एक बात और हमने यह रखी है भी अपना जो बीजेपी जेजेपी का हम डट का विरोध कराएंगे, क्योंकि इन्हें ये मार्ग ला धोखा कराया है, अगर दुष्यंत चाहता तो अभी जींद में पैसे ऐसे करते किसाना के, और के कहो किसान जाजा में बिठा हुआ है, बुढ़ा ने बुढ़ो है बुढ़ोने तो इन किसाना के खाते में पीछे डाल, असली किसान का बेटा है तू। मम सीधी चेतावनी यह है आने वाला टाइम में हमने बीजेपी जेजेपी का जमा पत्ता साफ कर कटाएंगे, आने वाला टाइम में इनका जमा डट का विरोध करांगे। एक निजी प्रोग्राम था कृषिंदु के अंदर जिसमें दुष्यंत चौटाला को बुलाया गया था, उसमें बड़ी स्टेज पर यह बात करी गई थी कि जिनसे मेरा विरोध करेगा दे पर्ची ले ले गए उनके काम करूँ कि नहीं करूँ, इस बात के ऊपर गई। देखो मैं यह बात मानू, देखो हमने वोट दे रखे रामा राख है भी, मैं उस पर काम करवावांगे, लेकिन जो हमारी लड़ाई थी मैंने वो लड़ी भी, अरे वो के भी पर्ची लेकर भी आवागे काम कराऊंगे, खुद का काम कौन लेकर कौन है, अभी हमने लागना है अभी हम पर्ची जो समाज का काम है उसके अंदर पर्ची लेकर भी जावांगे, क्योंकि उसने हमने वोट दे रखे, वोट देकर हमने बिठा रखा, आने वाले टाइम अगर उसने कोई जेजेपी का कोई वर्कर और या मतलब सरपंच भी बना दिया उसका अगर कौन जावेगा, सीधी चेतावनी अभी हम पर्ची लेकर भी आऊंगे, वह पर्ची लेकर आऊंगे जिसमें समाज का काम होगा, खुद का पर्सनल काम खातर कोई पर्ची नहीं जावेगी। तो टोल बंद होगा और साथ में क्या दूसरे टोलों को भी इस चीज़ का संदेश दे? देखो उन्हें खुद इस चीज़ का एहसास हो जाएगा भी जो जींद वाले खटखट टोल वाले जो काम कर रहे हैं भी असली में हकीकत भी किसानों की आवाज़ उठाने खतर कर रहे हैं, उन्हें अपने आप इस चीज़ से प्रेरणा मिलेगी, खुद अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि कई जगह मुआवजा की बहुत जगह है लेकिन जींद अलग तक छोड़ दिया गया है। तो उनका के यह भी बात कहनी है कि ये खुद तो एक पर्सनल पार्टी का प्रोग्राम करते हैं उसका में बिकजे हैं, लेकिन जब हमारे प्रोग्राम आवे फिर विरोध हो जाए खड़े? देखो विरोध तो हम करांगे, एक बात अभी हकीकत बताऊं, कम से कम 4-5 दिन पहले अलेवा दुष्यंत की गाड़ी जाओ थी 9-10 गाड़ी, और वह मैं हूँ और एक प्रियंका थी बेबे जिसने गाड़ी के शीशे फोड़े थे, मेरा इतना लू जड़िया था मेरा नूजी करा था इनकी गाड़ी के शीशे का, भी काले झंडे दिखाते बस नुका कर हाथ बंद रहे थे, अगर हाथ नहीं बंदे तो मैं जब भी काले शीशे दिखाऊं, इन हमारी 750 किसान शहादत हो रहे हैं, जिसके बहू किसी के भाई किसी के बाबू मर रहे हैं उनका तो आज तक दुख है, सारी उम्र दुख रहोगा, और आज ये भी बाबूजी बना हमारा अगर मामू ना बनन कौन दे, आने वाले टाइम में इनका जमा कहानी खत्म करांगे। नहीं आने वाला टाइम में तो है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इनका इस टाइम पर कई प्रोग्राम वीरेंद्र के भी हुए हैं, दुष्यंत भी आने लग रहा है, कोई विरोध भी नहीं होने लग रहा, लेकिन कहीं ना कहीं लागे जाओ जनता फिर इनका गला है कुछ नहीं, जनता वे इनके वर्कर है 35-40 वे आदमी ना बड़ो बड़ो कर रुपये दे देगा 300-400 और दिहाड़ी पर ले लेगा इकट्ठे कर दो, और कुछ नहीं इनका पल्ला खक नीब तो, और लोगों ने नुबेरा भाई ये खाली इनका पल्ला का करानी भी गम में है इनके 4-5 चमचे वे आदमी ना इकट्ठे कर दे दिहाड़िया पर ले जाओ और कुछ पल्ला को नहीं इनका। राम राम जी। राम राम भाई। आपके कुछ कहोगे किसानों मुआवजा नहीं मिलने लगा भाई? मैं तो कृषि मंत्री गल मीटिंग करी थी चंडीगढ़ में, उसने नहीं कहा था आप 3 बजे तक पूरा बैठो, और मैं सबके खाते कोई पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं, कोई बीमा कटवाने की जरूरत नहीं, और बोलिया मैं सबके खाते में रुपये डालेंगे, इब 3 बजे बोलिया मुख्यमंत्री 586 करोड़ का पे आंगली दैब देगा तारे सबके खाते में रुपये पूरा बैठ जाओ, वो ऐसा गंदा जेपी दलाल में जमा जब संग सुने जाइयो गंदा ने ऐसे विश्वास दिए मरते है कि भाई आज ये सारे काम कर दिया, और उसने एक भी बात नहीं करी, उन्होंने मारे थी गैल देवे थे तमें टोल पे भाई मारा तो दिल में दर्द है, उदन भी देवा थे आज भी देवा हर दिन दे रहेंगे, और मैं कहूँ पूरे जेजेपी और बीजेपी वाले थे 9-8 तारीख तक तो है तारा टाइम, और 9 तारीख है हमारी पूरा धरना भी लावेंगे टोल भी फ्री करावेंगे, और जींद जिला में किसी ने बड़न नहीं देवांगे भाई, सीधा हिसाब जो तक किसानों के खाता में रुपये नहीं आते, कहीं ना कहीं नहीं लागे फिर भी बदला लिया गया है, गैलों का बदला लिया गया भाई मुआवजा देने की टाल। हाँ ये उसने अपने मुंह तो बोली है नोला तो मैंने गैल दिया कर दे, मारे शामी कही है भाई मीटिंग में उसने बदला ले लिया जींद जिला पर, उड़े बिठा के यार दुष्यंत ने भी, और के कह दुष्यंत पर्ची
भाई 47,000 तक जिता रखे है, युक महीने तो 47 तक भी जिताने का कौन था। और जे सज ले काम खैतरी दो पर्ची लेके जाओ इसकी गेटी में गुंठा दे के काम करा लेंगे जो तक सत्ता में है। सीधा ही साहब है तो जो उसके वर्कर थे मौका पे उन्हें कहा था कि जिनके काम को नहीं करने, इसका मतलब तो उन्हें की चाल ली है, उन्हें की चाल ली है वो काम हो रहा है भाई। जे माँ में तो सीख गई जमा धक्का लेने सीख गए, उनकी मनसा पूरी हुए कर लेंगे भाई। उनका मन है वह गंदे लोग हैं, उनका जमीर मर रहा है, उनकी नूह भी तो बेरा है भाई। इनके खाते मेरे पीने आऊंगे तो तैरे में भी, क्योंकि उनके खाते में तो दूसरे तो भी गिर देता होगा। और किसान तो अपना हक भाई लेने सीख गए और लड़ाई करके ना जीतेंगे री, दूसरा पहला जीत गए। अरे फिर 8 तारीख तक टेम है जमा सरकार के तो रखी खुली चुनौती है, 9 तारीख हमारी है। कंडेला काम तो आप विलोम करो हो और सत्यपाल मलिक हैं 6 तारीख ने वहाँ पान लग रहे हो, तो इस मुद्दा की ओर भी आप देखो जरूर आवाज़ उठाऊँ, क्योंकि उसने जो कि एक ऐसा आदमी था जो सरकार का आदमी होता भी उसने किसानों की आवाज़ उठाई। माँ अपनी यह आवाज़ उठावांगे मुआवजे वाली जोरों शोर तय आवाज़ ने उठावांगे। तो आपने लगा है कि कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाया जाओगा इस बात? जरूर पहनाया जाए, क्योंकि जब हमारे ताऊ सतबीर और उठ लिए नहीं तो बात धमे नहीं सकती, ऊपर तक जाएगी हमारी आवाज़। आज महिला शक्ति काफी कम थी या फिर मैंने कॉल ही न्यू कराया गया था कि थोड़ी आई हो? बस थोड़ी की भी नहीं, आप बात कहा था भी मतलब गाँव में एक एक दो दो लेडीज आई जी, अभी ज्यादा वो कौन थी मीटिंग थी, इसमें सुझाव पूछने थे भी क्या करना चाहिए आने वाले टाइम। अरे देख लियो 9 तारीख ना ये टोल भी पंदा ही नहीं मैंने लगा जमा, क्योंकि बाट में बैठी है लुगा इनको कि बेबे कद चलना। अरे हकीकत में मारा तो भीतर में दर्द इतना हो गया कि हम सरकार के लड़न लग गए, तो हमने तैयार है इस चीज़ खातर। तो इनती कहरी असल की भी जरूरत राइज आवा है, छोटे छोटे मुद्दे की लेकर ना भाई जो आम जो समस्या है उसी दूर कराने खातर इनती री असल का टाइम पर आना पड़ा है और उस चीज़ ने यह दूर तक लेकर भी जावा है। किसान आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका जो मातृ शक्ति है उसकी निभाई है, खटखट टोल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में महिलाएँ थी जिसका कहीं ना कहीं फल मिला भी है और जो कृषि कानून है वह वापिस भी हुए हैं। 9 तारीख ने फिर देखो भी के कुछ यहाँ पर मातृ शक्ति अपना जलवा दिखावे है और मुआवजा उनके खाते में आवे है, नहीं तो फिर इनका तो बेरा है उरे गीत चल लेंगे और उरे सारा कुछ चल लगा दोबारा, तो फिर वही याद ताज़ा करवा दी जाएगी आंदोलन वाली। अपने जो विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो, मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।